चलिए डियर, न्यू सिलेबस क्लास 10 चैप्टर 10 हम लोग इस वीडियो में कैसे पढ़ते हैं और इसके जो भी होंगे इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं इस वीडियो में, और फिर थ्योरम 10.1 भी इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। ठीक है, वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। ये चैप्टर 10 है क्लास 10 का। ठीक है डियर, अब आप इन तीनों वृत्त को ध्यान से देखिए, ठीक है, और फिर यहाँ आप ध्यान दीजिए। आकृति 10.1 फर्स्ट में, यानी कि इसमें रेखा PQ जो रेखा है तथा वृत्त में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब ये होता है इसको टच नहीं कर रहा है, नहीं काट रहा है, कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इस दशा में PQ को वृत्त के सापेक्ष अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग बोलेंगे। ठीक है, और ये छेदक रेखा है। जब ये एक सर्कल है और एक सर्कल से एक लाइन जा रहा है और वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग छेदक रेखा कहेंगे। इसको इंग्लिश में सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, SECANT, इसको सीकेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है डियर, इसको क्या बोलेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये लाइन इस सर्कल पर टच नहीं कर रहा है। इसको सीकेंट बोलेंगे क्योंकि इस सर्कल को ये लाइन PQ जो लाइन है इसे टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हम सीकेंट बोलेंगे। ठीक है, और ये जो लाइन है, ये जो सर्कल है और ये जो लाइन PQ है, इसे एक ही पॉइंट पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग स्पर्श रेखा कहेंगे। ये सिर्फ स्पर्श कर रहा है, एक पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलेंगे। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? टैंजेंट बोलेंगे। समझ में आ गया डियर? अप्रतिच्छेदी रेखा नॉन इंटरसेक्टिंग, छेदक रेखा सिकेंट, और स्पर्श रेखा टैंजेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए डियर, वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी कि वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसी को हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, एक बिंदु पर, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, और ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया ना, इस बिंदु पर मान लीजिए P पर प्रतिच्छेद किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? उसको हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा कहेंगे। कोई सर्कल पर एक बिंदु पर अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कर रहे हैं कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ देख लीजिए ध्यान से, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और यही AB है, और इसको क्या किया गया है? इस तरीके से टर्न किया गया है। ठीक है, एक सर्कल है और एक ही लाइन है, इसको इस तरीके से टर्न किया गया है। तो इसमें देख लीजिए, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन स्पर्श रेखा है। तो ये स्पर्श रेखा है? नहीं है, क्योंकि ये इस पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये स्पर्श रेखा, ये AB नहीं है। ये स्पर्श रेखा है, देखिए, ये भी स्पर्श रेखा नहीं है क्योंकि ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये भी स्पर्श रेखा नहीं है क्योंकि ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देख लीजिए, ये स्पर्श रेखा है क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो A- और B- ही क्या है? स्पर्श रेखा है। ठीक है, बाकी ये और ये स्पर्श रेखा नहीं है क्योंकि ये सर्कल पर दो बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एक हो गया और ये दो हो गया, ये एक हो गया और ये दो हो गया, ये एक हो गया और ये दो हो गया, तो दो बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसको हम तो सिकेंट बोलेंगे। लेकिन जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे
उसी को हम स्पर्श रेखा कहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी स्पर्श रेखा नहीं है, ये भी स्पर्श रेखा नहीं है, ये भी स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये वाले लाइन जो जा रहा है ना, ए डैश और बी डैश, यानी कि ये वाले लाइन, यही एक पॉइंट पर यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही स्पर्श रेखा है, ए डैश बी डैश। समझ में आ गया डियर? ओके, ठीक है, इसको आप पढ़िएगा तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ देख लीजिए डियर, स्पर्श बिंदु किसको कहते हैं? यहाँ पर देख लीजिए, स्पर्श बिंदु जानते हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे कि ये कोई सर्कल है, ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना पी, इसी पॉइंट को हम लोग स्पर्श बिंदु कहेंगे, यानी कि इस पॉइंट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? सफर में 10.1 समझते हैं। ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, इसी प्रमेय को हमें प्रूफ करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, रचना किया, ओ से क्यू को मिलाया। तो देख लीजिए, यहाँ एक मान लीजिए ये पॉइंट है क्यू, तो ओ से क्यू को मैंने मिलाया। ठीक है, तो मैंने व्याख्या में क्या लिखूंगा, व्याख्या का मतलब ये होता है कि इसके बारे में लिख देना जो हमें दिखाई दे रहे हैं। व्याख्या में हम क्या लिखें, केंद्र ओ वाला, यही तो है केंद्र, तो केंद्र ओ वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है केंद्र ओ वाला, और एक बिंदु पी पर, पी पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है, स्पर्श रेखा है ना एक्स वाई, ये एक्स और ये वाई है। प्रूफ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रूफ कह रहा है इसमें करने के लिए कि, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रूफ इसमें कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी कि ये जो स्पर्श रेखा है ना एक्स वाई, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है, यानी कि साफ साफ इसमें आपसे कह रहा है कि ओ पी, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ओ पी परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पर, इसको मान लीजिए कि ये एम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर, ओ पी बराबर ओ एम, ओ एम ले लीजिए। ठीक है, ये क्या है, ओ एम, एम है ये, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या है, ओ पी और ओ एम, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा इसमें, ओ एम, ये देख रहे हो आप, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ओ एम, मैंने यहाँ पर लिखा ओ एम, ओ एम, ये एम है। ठीक है, ओ एम, ठीक है, ओ एम क्या है, छोटा है किससे, ओ क्यू से, ओ क्यू से। ठीक है भाई, ये ओ एम छोटा है ओ क्यू से, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये ओ एम, ओ एम यहाँ पर देख लीजिए, ओ एम के बदले में हम ओ पी लिख सकते हैं, ओ एम के बदले में ओ पी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो मैं ओ एम की जगह ओ पी लिख देता हूँ। ठीक है, ओ पी छोटा है किससे, ओ क्यू से। ठीक है, अब आपको पता चल गया, जब ओ पी छोटा हो गया ओ क्यू से, तो आप आराम से लिखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा
एक्स वाई की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी ओपी है। ओपी हो गया ना यहाँ पर, ओपी जो है ओपी ये छोटा है किससे, ओक्यू से, ठीक है, ओपी है ये, ठीक है। तो स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है ना एक्स वाई, एक्स वाई की न्यूनतम दूरी क्या है, ओपी है, ठीक है। तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था, तो आप लिख दीजिए हेंस ओपी परपेंडिकुलर हो गया एक्स वाई के, ठीक है, यही होगा प्रूफ्ड।